जिसने इतना सुंदर संसार बनाया वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उसके प्रति अंतःकरण के अंदर श्रद्धा पैदा होती है और श्रद्धा ही भक्ति को जन्म देती है। बिना श्रद्धा के दुनिया में कुछ बनता नहीं है। कोई किसी का भक्त भी तभी बनता है जब उसकी उसके प्रति श्रद्धा होती है। हमारे बीच में आदरणीय श्री बलदेव राज जी अभी आए हैं, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। उनका प्रेम और स्नेह और श्रद्धानंद आश्रम में उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे से उसको उठा करके ऊपर लाए। और मैंने यहाँ पर जो अनाथालय चलता है, अरबों रुपए की संपत्ति है, बहुत बड़ी जमीन पला उसका, आगे बहुत मैदान पड़ा है, तो मैंने वहाँ कहा कि भाई एक बार आप करनाल जाओ, वहाँ के लोगों से मिलो, उस आश्रम को देख कर आओ, कुछ इसकी भी कायाकल्प करो। तो श्रद्धानंद के परिवार के हैं हर्ष जी, तो वो यहाँ पर आए और देख कर गए, माता जी का धन्यवाद। तब उन्होंने वहाँ जाकर काफ़ी विकास किया है, तो मैं जब जब उन वहाँ की बेटियों को उनको देखता हूँ तो इनकी याद आती है। वो इनसे मिले, इन्होंने सारा दिग्दर्शन कराया, कुछ फार्मूले कुछ सूत्र बताए, तो बरेली का भी अब अनाथालय थोड़ा ठीक सा हो गया। वहाँ की बेटियाँ वेद पाठ करने लगी, दोनों समय वहाँ यज्ञ होने लगा संध्या, और बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो पहले कुछ नहीं था वहाँ। तो उसकी प्रेरणा के स्रोत हमारे आदरणीय बलदेव राज जी हैं, मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जीवन से जीवन बनता है। यहाँ करनाल के अंदर लोगों में जो दान की प्रवृत्तियाँ हैं, कई जगह कार्यक्रम में मैंने कहा कि मैंने भाई एक बार करनाल जाकर देख कर आओ, वहाँ के आर्य लोगों को देखो, वहाँ के यज्ञ करने का तरीका देखो, कितना बढ़िया घी, कितनी सामग्री, कितने दिल से वहाँ के लोग हवन करते हैं, और दान की भी लोगों में बड़ी प्रवृत्ति है, तो हमें सीखना चाहिए। तो सीखते हैं लोग, प्रेरणा मिलती है। जीवन से जीवन बनता है, एक दूसरे से अच्छी बातें प्रेरणा लेकर आगे व्यक्ति बड़ा करता है। तो आइए, करनाल में बहुत अच्छाई है, ये राजा कर्ण की धरती है, उसका असर तो है। कर्ण का जीवन भी अपने आप में एक जगह बड़ा महत्वपूर्ण था। तो मैं जो आपको बात कह रहा था, ये गीत मुझे बड़ा प्यारा याद आया, और फिर समय धीरे धीरे समापन की ओर है, आगे आप प्रवचन सुनेंगे। दुनिया से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। दुनिया से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। का तेज समाया है, सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, चांद और तारों में उसी की शीतल छाया है, चांद और तारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद को, धरती की गोद को वही तो संभालता, वही तो संभालता, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। दुनिया से पहले, दुनिया से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा।
रंग ही उसी का है। भमरों की तानों में मधुर शंखी उसी का है। फल और फूलों में रसीला गीत उसी का है। फल और फूलों में रसीला गीत उसी का है। नभ चर थल चरे वही तो संभालता, वही तो दुलारता, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। दुनिया से पहले अमर ओमी नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। क्या अजब बनाया है तेरी करनी का नक्शा, तेरी सामने आया है। सुख दुख का लंबा खेली क्या अजब बनाया है तेरी करनी का नक्शा, तेरी सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी पर हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओमी नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। मानव मत करे गुमान, एक दिन जान निकल जाएगी। मानव मत करे गुमान, एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगे। आत्मा कल्याण है तो ओम का ही ध्यान था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा। दुनिया से पहले अमर ओमी नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा, और कल भी रहेगा।